हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद अफसाना। और आप सब है आज मेरे किचन में। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है मैंगो रबड़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। फ्रेंड्स, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन बटन होगा, उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलकर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। मैंगो रबड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 लीटर दूध, 1 मैंगो लिया है जिसका मैंने इस तरीके से छोटे टुकड़ों में स्लाइस कर लिया है, 1/2 कप दूध और लिया है जिसे हमें इस मैंगो के साथ मिला के प्यूरी बना लेना है, 4 चम्मच यहाँ पे मैंने चीनी लिया है, 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर लिया है, यहाँ पे मैंने 2 से 3 काजू और 2 से 3 बादाम को मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया है। यहाँ पे मैंने 2 से 3 बादाम और पिस्ते को इस तरीके से लंबे बारीक में काट लिया है, इसकी हमें गार्निशिंग करनी है। यहाँ पे मैंने 1/2 आम और लिया है जिसको मैंने इस तरीके से बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम दूध को डाल देंगे और बॉयल होने तक का वेट करेंगे। तेज आँच में हमें इसे बॉयल करना है। ये देखिए, दूध में उबाल आ गया है। अब हम आँच को मीडियम कर देंगे। मीडियम हमें इसलिए करना है क्योंकि इसमें दूध में हमें उबाल आता रहे। अगर हम आँच को धीमी कर देते हैं तो दूध बैठ जाएगा, उसमें उबाल नहीं आएगा, तो दूध गाढ़ा जल्दी नहीं होगा, बहुत टाइम ले लेगा। तो हमें आँच को मीडियम रखना है और दूध में उबाल आते देते रहना है जब तक दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए, मलाई लच्छेदार ना हो जाए। तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि मलाई कैसे लच्छेदार हो जाती है। ये देखिए, हमें बीच बीच में इसे चलाते भी रहना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दूध हमारा गाढ़ा हो गया है, लगभग हमारी रबड़ी तैयार हो रही है। हमें इसी तरीके से इसे चलाते हुए बनाना है। ये देखिए, अब हमने जो ये बारीक कटा हुआ बादाम और काजू लिया था, इसे भी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। मिलाते हुए हमें इसे बनाना है। जो चीनी ली थी वो भी इसमें डाल देंगे। करीबन 4 चम्मच चीनी ली थी जिसमें मुझे 3 ही चम्मच चीनी यूज हुई है। आप मिठास अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये देखिए, इसको भी हम मिला देंगे और थोड़ी देर हमें इसे बॉयल होने देना है। यहाँ पे मेरी वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो गई है, प्लीज इसे इग्नोर करिएगा, उसके लिए सॉरी है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो मेरी रबड़ी है ये पूरी तरह रेडी हो गई है और मलाई देखिए कितने लच्छेदार बनी है। इसमें दूध एकदम गाढ़ा हो चुका है, रबड़ी यहाँ पे मेरी एकदम तैयार हो चुकी है। गैस को हम ऑफ कर देंगे और जो ये हमने इलायची पाउडर लिया था इसे इसमें हम डाल देंगे और इलायची पाउडर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारी रबड़ी एकदम तैयार हो गई है। अब हम इस रबड़ी को छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए करीब ठंडा होने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 1 घंटा हो गया है, हमारी रबड़ी एकदम ठंडी हो गई है और गाढ़ी भी हो गई है, काफी अच्छी दिख रही है। अब जो हमने ये मैंगो प्यूरी बनाया था इसे हम इसमें मिला देंगे। ये देखिए, और अच्छे से हम पूरी तरीके से इसको इसमें मिक्स कर देंगे। ये जो हमारा किनारों पे मलाई चिपका हुआ है इसे भी हम निकाल लेंगे कलछी की हेल्प से। अब ये जो हमने आम के टुकड़े लिए थे इसे भी हम डाल देंगे। हम 1/2 इसमें डालेंगे और 1/2 हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। ये देखिए, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे, इससे रबड़ी का टेस्ट और 2 गुना हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंगो रबड़ी हमारी एकदम रेडी हो गई है। अब हम एक सर्विंग बाउल में इसे सर्व कर लेते हैं। यह
यहाँ पे मैंने सर्विंग बाउल में इसे सर्व कर लिया है। अब हम इसे गार्निश करेंगे। गार्निश के लिए मैंने जो मैंगो छोड़ दिया था उसे हम डालेंगे। चारों तरफ हमें इसे डाल देना है। फ्रेंड्स, आप इसे अपने तरीके से भी गार्निश कर सकते हैं। अब ये जो बारीक लंबे काटे थे हमने बादाम और पिस्ते, इससे भी हम गार्निश करेंगे। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी टेस्टी मैंगो रबड़ी एकदम रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे पता है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, तो मेरे रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। साथ में लाइक का बटन होगा, उसे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।